अब सूबे के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो भाई ये तो कैसे हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री को धचका लग जाए। मुख्यमंत्री आने से अगर थेकड़ा लगता है तो भाई रोड बनवाने के लिए तो प्रधानमंत्री को ही बुलाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। ये रोड आप देख रहे हैं, चलिए इनको रोड दिखाइए एक बार। ये रोड आप देख रहे हैं, वाह क्या बात है, एक दिन पहले ही ये रोड बना है। अब सूबे के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो जब उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनको धक्का लग जाए, उप मुख्यमंत्री को अगर धक्का लग जाए तो भाई ये तो अब कैसे हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री को धक्का लग जाए यहाँ पे। और उसी लिए रोड को बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देसी लैंग्वेज में अगर बात करें तो जैसे कपड़े में थेकड़े लगाए जाते हैं ना, वैसे ही कुछ थेकड़े यहाँ भी लगा दिए गए हैं। अब उप मुख्यमंत्री आने से अगर थेकड़ा लगता है तो भाई रोड बनवाने के लिए तो प्रधानमंत्री को ही बुलाना पड़ेगा। अब जब तक यहाँ प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तब तक ये रोड बनेगा नहीं। महेंद्रगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, महेंद्रगढ़ का ये मेन जो जगह है वो रोड है, ये फ्लाईओवर जो रिवासा का फ्लाईओवर है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये सीधा जो रोड है राउतुला राम चौक की तरफ जाता है वही रोड, उसी रोड के ऊपर हम मौजूद हैं फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आम आदमी तो चलिए आजकल पार्टी बन गई है, लेकिन अगर आम इंसान यहाँ से दिन में दो बार निकल जाए ना, माँ कसम घर वाले पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अब वही रोड जहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये रोड थेकला लगा करके इसको थोड़ा सा तैयार ज़रूर किया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थेकड़म थेकड़ा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। बकायदा जो छुट भैया नेता हैं, वो छुट भैया नेता यहाँ पे जब कोई नेता आता है तो उसके पैर दबाने का काम करते, वो नहीं बताते कि यहाँ से जब वो नेता गया है तो एक दिन पहले इस रोड को बनाया गया है या इस प्रकार के जो थेकड़े हैं वो लगाए गए हैं, वो उनको नहीं बताता। अब उसको लगता है कि नेता जी कहीं नाराज ना हो जाए, अब नेता नाराज हो गया तो बात टिकट पे आ जाएगी भैया, और टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन विकास होगा कब? और भी लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, चलिए उन्हीं से हम पूछ लेते हैं रोड के जो हालात हैं वो कैसे हैं। वैसे तो अभी भी आपको रोड के अंदर जो गड्ढे हैं थोड़े बहुत वो भी नज़र आ रहे होंगे, और साफ तौर पे जो यहाँ पे धीरे धीरे छोटे छोटे जो जगह गड्ढे भरे गए हैं, बस ज़्यादा इससे ज़्यादा कोई काम हुआ नहीं यहाँ पे। लेकिन फिर भी जो दुकानदार हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरने से काम है, बाकी यहाँ पे कुछ होता नहीं है। बाकी लोग भी यहाँ पे लोकल लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते भाई साहब ये रोड का क्या हाल है, क्या ये जो अभी बना हुआ है ऐसे बनता रहता है या कैसे क्या है इसका? रोड ऐसा ही रहता है जी। तो कितने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं? गड्ढे बहुत ज्यादा है, अभी तो रिपेयर थोड़ा गया नहीं तो कोई काम नहीं। ये कितने दिन में रिपेयर हुआ? ये बहुत साल हो गए, मुद्दत होगी सालों साल करने में, बिल्कुल मुद्दत हो गई साहब, इसे कोई मतलब ध्यान नहीं देता। विकास की क्या ही बात है, मतलब कितना तगड़ा विकास है वो हो रहा है। विकास के जो धागे आप खोलते रहिए, हम हकीकत के धागे खोलते रहेंगे आपके साथ में मिलकर, मतलब एकदम धागा ही खोल दिया ऐसे सिस्टम बना रखा है इन्होंने। तो पूरा का पूरा जो पैसा है वो जब्त होता है, आज तक पता नहीं चलता पैसा कहाँ आता है, और प्रशासन जनता को इतना बेवकूफ़ समझता है कि जब कोई नेता आने वाला होता है तो यहाँ पे, और नेता भी मतलब इतने भोले बनते हैं कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जब हर दिन यहाँ से यहाँ के जो पूर्व विधायक है, अब वर्तमान विधायक है, वो भी घूमते होंगे, यही रोड है, बाकी कोई यहाँ पे चंडीगढ़ जैसी सिटी तो बना ही नहीं है कि उन रोडों से वो निकल जाते होंगे, और बाकी यहाँ से तो आम जनता ही जाती है, वो भी इन्हीं रोडों से जाते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो कोई रोड बनाने को तैयार, ना कोई काम करने को यार, मतलब इतना बुरा हाल है यहाँ का। IMT के लिए शिलान्यास हो जाते, नारियल तोड़ दिए जाते, 5-5 साल बीत जाते, लेकिन वो नारियल ना दोबारा से जुड़ नहीं पाता है, इतनी खतरनाक यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हो रखी है। यहाँ जो भाई साहब है वो अपना काम करते हैं, इनसे हम जान लेते। सर आप बताएं, आप तो रोड के बिल्कुल पास में ही रहते हैं, क्या हालात है इस रोड के? हालात आपको दिख रही है अच्छी तरह, ये तो बहुत अच्छी तरह है, काफी दिन में तो अब कड़े भरे हैं, जब अभी कोई बोल ले को मंत्री आएगा तब तो कड़े भर देते हैं, नहीं तो वो भी नहीं भरते हैं। इतनी धूल उड़ती जिसकी कोई नहीं जी, सारे दिन बहुत परेशान रहते हैं हम तो, मास्क लगा लो कुछ भी लगा लो फिर भी सारे दिन खांसी खसखस होती रहती है। शाम को घर जाते हैं घर वाले पहचान लेते हैं? नहीं पहचानते, शक्ल बदल जाती है, अब ये कहाँ से आया भाई, तू क्या कर गया, कुश्ती करके आया कहीं, ये हाल होता है। विकास का जो धागा है वो ऐसे ही खुलता है भैया, आप विकास का धागा खोलते रहिए और हम हकीकत का धागा खोलते रहेंगे। आप भी
अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप भी वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपको यहाँ की जो हकीकत है वो ऐसे ही धागे हम अब लगातार खोलते रहेंगे।